ओम नमो शिवाय। दर्शकों, आपका अपने चैनल में स्वागत है। आइए जानते हैं सीता नवमी पर करने वाले कुछ उपाय। जय श्री राम। हर साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नौवीं तिथि को सीता नवमी के रूप में मनाया जाता है। यह दिन माता सीता का प्रकट दिवस माना गया है। रामनवमी के ठीक एक माह बाद माता सीता धरती पर प्रकट हुई। राजा जनक की पुत्री होने के कारण माता सीता को जानकी भी कहा जाता है और इस दिन को जानकी जयंती के तौर पर भी मनाया जाता है। सीता नवमी का दिन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना रामनवमी का दिन। इस दिन माता सीता और प्रभु श्री राम का पूजन करने से तमाम कष्टों से मुक्ति मिलती है। यदि आपके जीवन में किसी तरह की समस्या है तो आप सीता नवमी के दिन कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में बदलाव आ सकता है। आइए जानते हैं उपाय के बारे में। पहला, धन संकट से छुटकारा पाना। अगर आपके जीवन में धन का संकट चल रहा है तो इससे छुटकारा पाने के लिए आप प्रभु श्री राम के मंदिर जाएं और केसरिया झंडा लगाएं। प्रभु श्री राम और माता सीता को पीले वस्त्र अर्पित करें, पीले फूलों की माला पहनाएं और पीले चावल का भोग लगाएं। भगवान राम के मंत्रों का जाप करें। कहा जाता है कि राम प्रसन्न होते हैं तो माता सीता और हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं। ऐसे लोगों के सभी संकट दूर हो जाते हैं। भगवान राम को प्रसन्न करने के लिए आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। श्री राम राम रमेति रमे रमे मनोरमे सहस्त्र नाम प्रतुल्य श्री राम नाम वरानने। दूसरा, विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए। अगर आप सीता नवमी पर किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं तो श्री राम के मंदिर जाकर हनुमान जी की मूर्ति का सिंदूर लेकर माता सीता के चरणों में लगाएं। ऐसा दिन में 3 बार करें, सुबह दोपहर शाम। तीनों बार अपनी मनोकामना को माता के समक्ष कहें। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन की बड़ी से बड़ी मुसीबत भी टल जाती है और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती। तीसरा, बाधाओं से मुक्ति के लिए। अगर आपके किसी कार्य में बार बार बाधाएं आ रही हैं तो सीता नवमी के दिन माता सीता और प्रभु श्री राम का विधिवत पूजन करें, जानकी शोध का पाठ करें और राम स्तुति का पाठ करें। इसके बाद सुंदरकांड पढ़ें, अंत में क्षमा याचना करके भगवान से अपनी हर बाधा को दूर करने की प्रार्थना करें। ये उपाय करने से आपके सभी संकट दूर होंगे। जय श्री राम।